जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, जिन बच्चों का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब उनको एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करने हैं, कहां से वो डाउनलोड करेंगे, और आपको डाउनलोड करने में यदि अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आप भूल गए हैं तो फिर आप किस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होना है अब वो आपका 30 जुलाई को होने वाला है, लेकिन उसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब एडमिट कार्ड आपको कहां से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको जाना है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहां पर, जो आप ये स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, या आप डायरेक्ट में आपको उसको लिंक भी दे दिया जहां से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो अब वहां पर जाने के बाद में आपको जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, जॉइंट बीएड एंट्रेंस एग्जाम, वहां पर अपना क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको वहां से लॉगिन, आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपने जब अपना फॉर्म भरा होगा तो आपको उस समय लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला होगा। अब यदि आपका वो लॉगिन आईडी या पासवर्ड खो गया है तो अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका बराबर में ही एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आप वहां पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, जो आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मांगेगा। तो वो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर होगा वो आपके मैसेज पे भी आया होगा और मेल आईडी पे भी आया होगा। अब वहां पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन वो फिल कराएगा, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और आपका जो मोबाइल नंबर हो गया, वो आपको ये इंक्वायरी फिल कराएगा। फिल करने के बाद में आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके जो मेल आईडी, रजिस्टर्ड मेल आईडी है, उस पर फिर से लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज देगा, यदि आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड खो गया है। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपना सेंटर देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहां पर है। तो साथियों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।